हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा फैक्ट्स। आज का टॉपिक है द इंडियन परिहा डॉग। इंडियन परिहा डॉग को स्ट्रीट डॉग भी बोला जाता है, या ग्रामीण बोलचाल की भाषा में इसे यूं कहें, देसी कुत्ता। इंडियन परिहा डॉग्स का ओरिजिन इंडिया से है। ऐसा माना जाता है यह लगभग 15,000 साल पुरानी डॉग ब्रीड है, जो उस समय से इंसानों के साथ रहती आ रही है। इंडियंस परिहा डॉग को पहले के ज़माने में लोग शिकार करने के लिए पाला करते थे। आज के ज़माने में भी गांव के लोग इसे एज ए पेट या एज ए गार्ड डॉग के रूप में अपने साथ रखते हैं। अभी भी गांव के लोग इस डॉग ब्रीड को पसंद करते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है, कहीं भी मिल जाता है, इजी टू मेंटेन। इस डॉग ब्रीड को स्ट्रीट डॉग या देसी कुत्ता के नाम से जाना जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में परिहा डॉग सबसे ज़्यादा डॉग की आबादी वाली ब्रीड है। इंडियन परिहा डॉग स्ट्रीट में रहने वाली डॉग ब्रीड है, जो हर इन्वायरमेंट, हर क्लाइमेट में अपने को अनुकूल बना लेती है, उसी के अनुसार ढल जाती है। इसलिए इनकी हेल्थ ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कुछ लोगों को इंडियन परिहा डॉग से नफरत होती है। वो समझते हैं कि ये मुझे काट लेगा, ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा वो तब करता है जब उसे नुकसान पहुंचाया जाए, या किसी प्रकार का चोट पहुंचाया जाए, या हार्म किया जाए। ये बहुत सोशल होते हैं। जब तक उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, तब तक वो नहीं काटते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कोट कलर के बारे में। यह लगभग हर कोट कलर में पाया जाता है। कुछ शॉर्ट कोट के होते हैं, कुछ लॉन्ग कोट के होते हैं। जो गर्म प्रदेशों में कुत्ते पाए जाते हैं, या यूँ कहें परिहा डॉग, उसके बाल शॉर्ट होते हैं। जो ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाल लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग कोट होते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो ये लगभग 12 टू 14 ईयर्स का होता है, इतनी लाइफ जीती है। मेल में इसकी अगर हाइट की बात करें तो 20 से 25 इंचेस तक इसकी हाइट होती है, और वेट की अगर बात करें तो 20 to 30 केजी वेट होती है। फीमेल में इसकी हाइट 18 to 23 इंच, और वेट की बात करें तो 15 to 25 केजी होता है। ये इजीली अवेलेबल होता है और इजीली ट्रेनेबल, इजीली मेंटेन रख सकते हैं इसको। इसकी केयर करना बहुत इजी होता है। अगर हम इसे एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, अगर पाल नहीं सकते, अपने घरों में जगह नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, अपने आसपास के डॉग्स को खाना तो दे सकते हैं, उसे हम किसी न किसी रूप में हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप एक डॉग लवर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक